अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारी क्लास ब्रेकअप हो गई थी क्योंकि क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया था 40 मिनट्स। अब हम नई क्लास में दोबारा से आए हैं ताकि हमारे जो रिमेनिंग शार्ट क्वेश्चन है उनको कंप्लीट किया जाए और इस चैप्टर को ख़त्म किया जाए ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर 3 का उसके बाद हम फिर से आगाज करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे थे ये एक क्लास बी 43 शार्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। तो कहते हैं कि दो वेक्टर हमारे पास उनकी वैल्यूज गिवन है और हमने क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये पर एक क्रॉस बी, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का हासिल वेक्टर जो होता है, जो आंसर होता है वो वेक्टर ही होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो आई जे के क्या है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है पहली रो में। दूसरी रो में क्या है, पहले वेक्टर का ए एक्स ए वाई बी जेड उसको कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी रो में, तीसरी रो में क्या है, दूसरे वेक्टर के जो कंपोनेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट, बी वेक्टर जेड कंपोनेंट। और इसी तरतीब में क्या लिखा गया, ये आई जे के लिखा गया। और यहाँ अगर आप देखें एक्स कंपोनेंट इसका, इधर का एक्स कंपोनेंट, ये सारे उसकी वैल्यूज जो है हम इसमें इंसर्ट करेंगे, 2, 5 और 0। यहाँ 0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें इस पहले वेक्टर का के कंपोनेंट नहीं है। जब कंपोनेंट मिसिंग हो तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू 0 लिख देते हैं। फिर इसी तरीके से आपका सेकेंड वेक्टर है, ये आप देखें 3i+7k, इसमें देखें j कंपोनेंट नहीं है, तो ये देखें आंसर 0 लिखा है। जो कंपोनेंट मिसिंग हो वहाँ आप 0 लिखते हैं और 307। और फिर अब हमने इसको ओपन करना है, ये देखें फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, इनको फारे मोमेंट आप एलिमिनेट समझें तो अंदर क्या रहेगा, 5070। और फिर इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 × 7 ये देखिए लिखा है। और फॉर्मूले में माइनस यहाँ दरमियान माइनस का आता है और 0 × 0 0 जी, और साथ के आई यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से हमने क्या करना है, दूसरे को ओपन करना है, ये देखें दूसरे के लिए क्या है, हमेशा साइन सेंटर का अदर होता है, माइनस का होता है, हमने माइनस साइन बाय लगा दिया फार्मूले में। तो आपने फारे मोमेंट ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो एलिमिनेट करें तो अंदर क्या आ जाएगा, 2037। तो 2037 आपके पास क्या होगा, ये हमने ये लिखा हुआ है एंड ये 2 7 और ये आ गया आपके पास 3 और 0, ये माइनस 3 × 0। तो ये हमने किस तरह आपके पास क्या है, प्लस के का करना है, यानी ये थर्ड कॉलम और आप पास फर्स्ट रो एलिमिनेट करें फॉर मोमेंट, तो ये आपके पास क्या होगा, 2 × 0 एंड 3 × 5। ये आपके पास 2 × 0 − 3 5 × 3, ये हमने लिखा है और के यूनिट वेक्टर दी। और उसके बाद हमने जो सवाल किया है, ये देखिए 35 आई यूनिट वेक्टर है, −14j और −15k। इस तरीके से हमने इसका एक क्रॉस बी जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर होगी बात जी, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो जो समझ ना आएगा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, प्रूव दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो ये हम पहले टॉपिक्स में बड़ी डिटेल से प्रूव कर रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि इसका जो फार्मूला है, प्रोजेक्शन करते हैं ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी पे और बी की ए पे प्रोजेक्शन करते हैं, और इस तरीके से हम करते हैं। तो कहते हैं डेफिनेशन ऑफ जो ए वेक्टर बी वेक्टर है वो आपके पास ए बी का सीटा है, और इसे हमने ओपन किया। तो यह आपका इस तरह आप बी डॉट ए लेंगे वो आपके पास बी ए का सीटा होगा, ठीक है। तो वह आपके पास क्या बी डॉट ए बन जाएगी, देखें ए बी का सीटा, ये हमने ए डॉट बी को ओपन किया, ए बी का सीटा है। कहते हैं इसको हमने रीअरेंज किए, यानी बी पहले कर दिए बाद में केवल इनटू कॉस थीटा, फिर इसी को वापस रिवर्स कर दिए, बी डॉट ए बन गया। तो सो इससे साबित हो जाता है कि आपके पास क्या कम्यूटेटिव है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होते ही स्केलर है उसका आंसर। तो उसमें हम वेक्टर्स को रीअरेंज कर लें तो उसका जो आंसर होगा वो सेम होगा, जैसे 2 × 3 है इज इक्वल 6, 3 × 2 है 2 × 3। इस तरह आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट में होते हैं, ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, आंसर दोनों साइडों का सेम ही आएगा, लिहाजा ये कम्यूटेटिव है, ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज आ गया है, इसे मैं जूम कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज, और ये हमारे पास ये आ गई। अब इसमें हमने टार्क को डिफाइन करना है, राइट से यूनिट एंड डायमेंशन, ये 7 टाइम्स आ चुके हैं, ये शार्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इजी है। कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अ टॉर्क, यानी किसी भी फोर्स के जरिए सर किसी बॉडी में जब आप टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड अ टॉर्क, या फिर इसकी डेफिनेशन इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर एंड फोर्स एफ, तो दैट इज कॉल्ड अ टॉर्क। यानी जब आप देखें स्पैनर से जब आप नेट आप ओपन कर रहे होते हैं या क्लोज कर रहे होते हैं, तो वो क्या है आप फोर्स लगा रहे हैं स्पैनर पे, और वो क्या करे उस नट बोल्ट को मूव करा रहा है,
यानी क्या हो रहा है उसमें, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो, दैट इज कॉल्ड अ टॉर्क। या आप साइकिल चला रहे हैं तो पैडल को आप घुमा रहे हैं, पाँव की मदद से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो जो ग्रारी है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है सर्कुलर फॉर्म में, तो ये आपका उसमें टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, टर्निंग इफेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखें ये इसका फार्मूला, या इट इज क्रॉस पैडल पोजिशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ, तो ये देखें टी इक्वल आर क्रॉस एफ, और इसका जो डायमेंशन है वो आप पास के एम एल स्क्वायर टी पावर -2, तो यू आपके पास है, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कहता है ये क्वेश्चन आपके पास, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन डायरेक्शन ऑफ इट्स वेट, तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसे हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन बड़ा है, 11 टाइम्स आ चुके हैं। कहते हैं कि कोई भी बॉडी जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मौजूद हो अंडर एक्शन ऑफ इट्स वेट्स क्या से रोटेट कर सकती है, इसका आंसर नो है जी, क्यों नहीं कर सकती, जब बॉडी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हो तो क्या होता है, पड़ी हो तो उसका जो मोमेंट आर्म वो क्या होता है, जीरो होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर लें तो वो मूव नहीं करेगा। ये देखिए टी इक्वल आर क्रॉस है, आर एफ साइन थीटा, ये देखिए आर की वैल्यू जीरो है, क्योंकि बॉडी क्या है वो एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रोटेट नहीं कर सकती, क्यों, आर की वैल्यू जीरो, क्यों, टॉर्क के लिए दोनों चीजें मास्टर हैं, यानी आपको मोमेंट आर्म भी चाहिए और फोर्स भी चाहिए, मोमेंट आर्म अगर आपके पास जीरो होगा तो क्या होगा, ये टॉर्क जीरो होगा। इसके एग्जांपल आप ले लीजिए, मैसल डोर है, तो डोर में आप देखें एक पिवट पॉइंट है जिसके डोर घूमता है रोटेट करता है, दूसरा क्या है, जो जो आप उसे दूर होते जाए, जहाँ हैंडल लगा है डोर का, उसका पिवट पॉइंट से जो फासला होता है वो उसका क्या कहलाता है, पोजिशन वेक्टर आर कहलाता है, या से आप मोमेंट आर्म भी कहते हैं। अगर ये मोमेंट आर्म जो है हैंडल की तरफ जो जाते जाए तो कम फोर्स लगेगी, और जो जो आप हैंडल से पिवट पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो डोर मूव नहीं करेगा, सेम लाइक दैट इधर भी है, जब बॉडी एट सेंटर ऑफ इट्स वेट हो तो कहते हैं वहां पे क्या है, मोमेंट आर्म जीरो है, लिहाजा ये मूव नहीं करेगा, टॉर्क पैदा नहीं होगा। तो ये आपके पास है, ये 11 टाइम्स आ चुके हैं, तो ये एम क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास, यू आर फॉलिंग ऑफ द एज, व्हाई शुड, व्हाट शुड यू डू अवॉइड फॉलिंग, कहते हैं जी आप बिल्कुल जो है एज पे हैं, गिरने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए गिरने से बचने के लिए, तो कहते हैं यू शुड बेंड यूर सेल्फ बैकवर्ड, यानी आपने बैक साइड पे क्या होना है, यानी आप मतलब डाइविंग बोर्ड बिल्कुल सारे पे हैं और आपने गिरने से बचना है तो क्या करना होगा, आपको बैक साइड पे बेंड करना होगा टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ द एज, बिकॉज ऑफ दिस योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट बैकवर्ड, यानी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर आप किसी जगह पे खड़े हैं गिरने वाले हैं तो आपको बैकवर्ड क्या करना होगा, अपने आप को बेंड करना होगा, उससे क्या होगा कि आपका सेंट्रल ग्रेविटी पीछे को शिफ्ट हो जाएगा, आप गिरने से बच जाएंगे। ये 2 टाइम रिपीट हो चुका है सबका भूल में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाई कैन अ बॉडी नॉट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर रिपीट हो चुका है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अभी अभी 1 मिनट पहले किए हैं। और ये आपके पास नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ आर, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी क्या है, तो आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स पता करना है, यानी टॉर्क पता करनी है अबाउट द पॉइंट लाइंग ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टी आर क्रॉस एफ, तो आपके पास आर एफ साइन थीटा, तो इस फार्मूले में आपके पास है, आप ये वैल्यूज आप पुट करके आप कर सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट, ठीक है, ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन मोमेंट आर्म में जीरो, कहते हैं कि अगर आपके पास मोमेंट आर्म के फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑफ लाइंग ऑन द पॉइंट लाइंग ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर फोर्स के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एक्ट कर रही हो तो उसका मोमेंट जो है आर्म क्या होता है, जीरो होता है, तो सो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, यानी वही ऊपर वाली क्वेश्चन तकरीबन उसी को ही उसने ट्विस्ट दे के रिपीट किया है, मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा जी। नेक्स्ट आपके पास, राइट डाउन द कंडीशन फॉर बॉडी टू बी इन द कंप्लीट इक्विलिब्रियम, जो कहते हैं कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो कहते हैं दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम क्या है, सिग्मा एफ इज इक्वल जीरो, इन तमाम फोर्सेज क्या है किसी बॉडी पर उनका मजमूआ जीरो हो तब क्या होता है, बॉडी इक्विलिब्रियम की होती है, या सेकेंड कंडीशन क्या, उसके बाद सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी, ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी इक्वल जीरो, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये इसका मजमूआ जीरो हो तो ये आपके पास बॉडी क्या होती है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम की हालत में होती है जी। नेक्स्ट आपके पास, गिव टू कंडीशन इक्विलिब्रियम, अभी अभी ताज़ा ताज़ा डिस्कस, ये 9 टाइम्स आ चुके हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन सबका बोर्ड में,
पहली कंडीशन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो, या आपके पास सिग्मा एफ इक्वल जीरो लिखा हुआ है, ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम में। और सेकंड आपके पास है सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट अबाउट एनी आर्बिट्री एक्सिस मस्ट बी जीरो। तो जितने भी फोर्सेज हैं, जितने भी टॉर्क का मजमू है किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो दैट इज कॉल्ड अ दैट्स अ इक्विलिब्रियम फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 52 आ चुका है, तो इसमें कहते हैं डिफरेंट बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट देन वी से दैट इक्विलिब्रियम इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी, यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट पे हो तो उस वक्त जो उसका इक्विलिब्रियम होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और अगर कोई बॉडी जो है इट्स मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे आप पास कार पे जा रहे हो और वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, उस वक्त आप इक्विलिब्रियम की हालत में होंगे, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस तरह आप पास जो पैराट्रूपर्स होते हैं, यानी एरोप्लेन से छलांग लगाते हैं, तो वो अपना पैराट्रूप के जरिए नीचे आ रहे होते हैं, तो कहता है उस वक्त उनकी वेलोसिटी क्या होती है, एक जैसी वेलोसिटी से नीचे मूव कर रहे होते हैं, देन वी से दैट्स दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी। और आप स्टेट द कंडीशन ऑफ रोटेशन इक्विलिब्रियम, तो कहता है रोटेशन इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, सम ऑफ द आर्क एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो। तो ये आप पास क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज देन हमारे पास बस ये आपका चैप्टर तकरीबन खत्म ही होने वाला है, ये कर दे और बाकी है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या, तो ये एक पिक्चर है जो हमने सस्पेंड करवाई हुई है जो स्ट्रिंग की मदद से, तो गाराजी के इसमें हमने टेंशन टी जो है फाइंड आउट करनी है। देखें ये एक पिक्चर है, तो इसको हमने दो रस्सियों से हैंग कराई हुई अपवर्ड, ये देखें कि ये आप पास दो रस्सियों से हमने एक पिक्चर को हैंग कराया हुआ दीवार के साथ, इसका वेट नीचे की तरफ है और ये टेंशन टी, ये दोनों देखें धागे में यहाँ पर कसर है अपवर्ड, यानी इसकी डायरेक्शन टेंशन टी अपवर्ड, टी साइन थीटा इधर भी है, इतनी डायरेक्शन इधर भी है, टी साइन जो टेंशन टी और नीचे डब्ल्यू है, तो हमने क्या करना है, टेंशन टी फाइंड आउट करना है। तो वेट क्या है, नीचे की तरफ, ये देखें जो वेट है आपके पास किसके बराबर, टेंशन टी साइन थीटा ये वाली राइट प्लस क्या टी साइन थीटा लेफ्ट, दोनों को ऐड करें तो ये बराबर है जी, तो आपके पास वेट क्या होगा, टू टी साइन थीटा, ये फोर टाइम्स आ चुके क्वेश्चन बढ़ाए हैं मैं, और आगे आपने क्या करना है, यहाँ से टेंशन टी फाइंड आउट करनी इस क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली टू साइन थीटा या मल्टीप्लाई नीचे आप क्या होगा, ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ देखें कि टेंशन टी इन द स्ट्रिंग क्या है, मिनिमम तब होगी जब एंगल थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी मिनिमम एंगल कब होगा, यानी जब आप कह रहे हैं कि मिनिमम फाइंड आउट करनी है तो एंगल थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, तो क्या होगा, ये देखिए आपने 90 डिग्री किया तो आपके पास मिनिमम टेंशन आ गई, क्लियर होगी बात जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कहते हैं जी नेक्स्ट, कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज इन नंबर वन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, बॉडी रोटेट ना कर रही हो तो दैट इज कॉल्ड पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम जी। तो इसमें देखें कि कंडीशन इक्विलिब्रियम क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, ठीक है, तो उस वक्त ये रोटेट नहीं करती है, फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कहते हैं देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन एंड बॉडी सेट टू बी इन रोटेशन इक्विलिब्रियम, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो, बॉडी रोटेट ना हो रही हो, सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आपके पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो, यानी किसी भी बॉडी पर जितनी फोर्सेज हैं वो जीरो हों, उनका मजमूआ, देन वी कैन से दैट इट इज अ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो। तो इसमें कहता है फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए भी, तब हम कहेंगे कि आपके पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन जितना भी है वो जीरो हो, देन वी से दैट बॉडी इज अ दैट इज अ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 56 कहता है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोमेंट आर्म एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट आर्म जैसे आप बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे हम मोमेंट आर्म कहते हैं। मोमेंट आर्म बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे आपका पिवट पॉइंट है और जहाँ पे फोर्स एप्लीकेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, यानी पिवट पॉइंट दरवाजे का ये पिवट पॉइंट है जहाँ पे डोर मूव करते हैं वहां से लेके हैंडल तक का जो फासला है दैट इज कॉल्ड इट्स मोमेंट आर्म है।
और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से क्या है वो डोर टर्न करना शुरू हो जाता है या किसी और बॉडी जो है रोटेट करना शुरू हो जाती है, देन वी से दैट इट इज अ मोमेंट ऑफ, क्लियर होगी, मोमेंट ऑफ फोर्स हो रही। तो कहते हैं आपके पास ये डायमेंशन जो फाइंड आउट करने, ऐसे यूनिट सिस्टम में मोमेंट टर्न की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है क्योंकि ये डिस्टेंस है, फासला है, और टॉर्क जो है ये आपके पास टी इक्वल एफ डी है मोमेंट ऑफ फोर्स, तो उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर होगी। तो ये इसके डायमेंशन होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे तकरीबन जितने एडिशनल शार्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड के शार्ट क्वेश्चन हो चुके हैं, ये इसमें 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, यानी 2019 में जो पेपर हुए थे। तो कहते हैं कि इसमें ये वेक्टर गिवन है, कहते हैं व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ ए, जिसकी ओरिएंटेशन पता करनी है, यानी एंगल थीटा पता करना है। तो ए वेक्टर आपके पास 4i-4j है, तो ये देखें फाई इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स, ओरिएंटेशन हमेशा टेंजेंट थीटा यूज किया जाता है, दैट इज वाई कंपोनेंट एंड एक्स कंपोनेंट। ये इसका जे वाला क्या है, वाई कंपोनेंट है, एंड एक्स वाला क्या, आई वाला क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट है। तो सो आपके पास टेंजेंट इनवर्स आपके पास 4/4, 1 इसका इनवर्स लिया तो ये 45 डिग्री आ गया, लिहाजा इसका ओरिएंटेशन क्या है, 1 डिग्री है, आपके पास 45 डिग्री है जी। और अगर कहते हैं कि ए इज पॉजिटिव एंड ए वाइज नेगेटिव, यानी अगर कहते हैं कि यहाँ आपके पास ये, तो पहले उसने ओरिएंटेशन पता की है, अब कहते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं, तो यहाँ देखें कि ए आपके पास क्या 4i, यानी ए एक्स कंपोनेंट इसका क्या है, पॉजिटिव है, और वाई कंपोनेंट क्या है, -4 है, नेगेटिव है। तो ये इसकी हमने क्वाड्रेंट में लोकेशन फाइंड आउट करनी है। जब कहते हैं ये दो आपस में नेगेटिव हो, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव हो, वाई कंपोनेंट नेगेटिव, तो ये किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाइक करते हैं, याद रखें जी। जब एक्स कंपोनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, और वाई कंपोनेंट क्या हो, नेगेटिव हो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये जो एंगल हमने फाइंड किया, इसको हमने क्या करना है, 360 डिग्री से माइनस कर देना है जी। तो ये आप पास क्या 360 डिग्री -45, तो रिमेनिंग क्या एंगल होगा, 315 डिग्री होगा। ये क्या बनेगी, उसकी कंप्लीट ओरिएंटेशन बनेगी। ये जो आपने पहले एंगल फाइंड आउट किया, ये आपने कितना एंगल किस क्वाड्रेंट बना रहा है, आपने वो फाइंड आउट किया है। फिर आपने इसके कंपोनेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से ये चेक किया कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है। तो हर क्वाड्रेंट का अपना फार्मूला है जी। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो 360 माइनस ये कैलकुलेटेड एंगल माइनस करेंगे, अगर ये थर्ड में हो तो 180 प्लस ये कैलकुलेटेड एंगल ऐड करेंगे, अगर ये सेकंड में हो तो क्या करेंगे आप, 180 में से ये माइनस करेंगे, फर्स्ट में हो तो यही आपके पास क्या होगा, वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, इसकी ओरिएंटेशन बन जाएगी। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, ये आपके पास नेक्स्ट पेज है, इसे मैं जूम करता हूँ, बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। और ये हमारे पास ये तो 2019 के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो इस सबका पेपर में आए हैं पिछले साल। कहते हैं डिफाइन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, तो ये हम बार बार डिफाइन कर चुके हैं, ये सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, उनका जो सम होता है वो क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, इट इज अफेक्टिव, इट हैज अफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू में, किसी गिवन डायरेक्शन में इट हैज अ वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर बता चुका हूँ कि ये आपके पास ऐसा वेक्टर होता है, ये दो जो ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करके हम हासिल करते हैं, सिंगल वेक्टर होता है, इट हैज सेम इफेक्ट एज द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर व्हिच आर एडेड, and this vector is called a resultant vector. तो उसके बाद क्या है, magnitude of sum of two vector is zero, and what are the conditions of the, एक मिनट इस फोटो को मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अच्छा जी, इसमें कह रहा है कि आपके पास फिजान इज देयर, फिजान यू आर सो लेट इन सेकंड सेशन यू आर देयर, एनी हो तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वैक्टर इज जीरो, यानी आपके पास दो वेक्टर हैं उनको सम करें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या जीरो है, व्हाट आर द कंडीशंस टू गेट दिस, इनकी कंडीशंस क्या हैं वो हमने बतानी है। तो इसमें देखें मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स विल ओनली बी जीरो, कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जीरो हो सकता है व्हेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी आपके पास दो वेक्टर जो है वो इक्वल हों और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसी केस में क्या हो सकता है, आपके पास जीरो होगा जी। क्लियर होगी बात जी, जब आपके पास दो वेक्टर्स हों वो इक्वल मैग्नीट्यूड रखते हों
देन हम क्या कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन हो, इक्वल मैग्नीट्यूड, तब हम कहेंगे ये वेक्टर्स क्या है, आप उनका सम क्या होगा, जीरो होगा। ये आपके पास 2019 पेपर में आया है जी। नेक्स्ट आपके पास हाउ अ वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर वेक्टर, वेक्टर को दूसरे वेक्टर कैसे सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन और यूनिक क्वेश्चन है, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पूरे टॉपिक के हमारे, जिसने ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, ये अब एक्सरसाइज में नहीं है, ये आपके टॉपिक से उसने उठा लिया जी। आप 60% एक्सरसाइज से हैं, 40% के एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन इन टॉपिक से हैं, तो ये अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ से आपने देखना है जी। इसमें आप देखें तो ये आप पास ए वेक्टर है और दूसरा आप पास क्या बी वेक्टर है। आप कहते हैं जो वेक्टर आपने सब्ट्रैक्ट करना हो उसकी डायरेक्शन आपने क्या करनी है, चेंज करनी है, एंड देन उसके बाद क्या करना है, आपने हेड टू टेल रूल आपने अप्लाई कर देना है जी। ये जो वेक्टर आपने माइनस करना है उसकी डायरेक्शन आपने क्या करनी है, रिवर्स करनी है। ये देखें इस डायग्राम में, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर जो है हमने इसकी डायरेक्शन यहाँ रिवर्स करके इधर लगा दी है, इसके साथ हेड टू टेल रूल यानी अप्लाई करें, और ये इसका क्या रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी है, और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जो है आखिरी वेक्टर के हेड के साथ और उसकी टेल पहले वेक्टर टेल के साथ है, और जो हमने अप्लाई कर दी है। यानी पहला स्टेप जो वेक्टर आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आपने उसको क्या करना है, उसकी डायरेक्शन जो है रिवर्स करनी है, और उसके बाद क्या हेड टू टेल रूल आपने अप्लाई कर देना है। इस तरीके के तहत आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगी, ये हमने बी वेक्टर को उसको रिवर्स किया, फिर हमने ये देखें ए प्लस माइनस बी इस हेड टू टेल रूल के तहत ऐड किया, तो यूं हमारे पास क्या ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आ गया है। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल 12y माइनस 5jg। तो अब ये देखें, ये क्वेश्चन भी अक्सर बेहतर आ जाता है, आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, टॉप में 2018 में भी था, उसमें थोड़ी सी उसमें स्टेटमेंट चेंज की हुई थी, और यहाँ भी क्या है उसने थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की हुई है, और कहा जी इसका यूनिट वेक्टर बताएं, ये ए वेक्टर उसने दे दिया जी, यानी एक्स कंपोनेंट इसका 12y यूनिट वेक्टर है और दूसरा वाई कंपोनेंट क्या है माइनस 5j है। अब देखें ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, क्योंकि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए देखें यहाँ कर्सर है आप पास, ए यूनिट वेक्टर इक्वल ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर, यानी वी कैन गेट अ यूनिट वेक्टर बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, दैट इज अ ये इधर क्योंकि दो डायमेंशन में दिए हुए, लिहाजा हमने दो डायमेंशन का फार्मूला यहाँ अप्लाई किया है, दैट इज ए वेक्टर मैग्नीट्यूड फार्मूला एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। यहाँ हमने क्या है उसकी वैल्यू इंसर्ट कर दिया 12 स्क्वायर, ये देखें पहले x कंपोनेंट 12 उसकी वैल्यू प्लस 12 स्क्वायर प्लस अब माइनस 5 इसका स्क्वायर, और हमने इसको ओपन किया 144 एंड प्लस 25 169 इसका स्क्वायर रूट एंड 13। अब हमने क्या कर दिया इस फार्मूले में इसकी वैल्यू इंसर्ट कर दिया, यूँ हमारे पास क्या आ गया इसका यूनिट वेक्टर आ गया। अब बीएस में देखिए इतना सिंपल सा है, जस्ट आपको यूनिट वेक्टर का वो कंसेप्ट आपसे पूछ रहे हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, इस तरीके से वो आपसे कंसेप्ट आपके इसे इसे पूछा जा रहा है जी। अब हमारे पास क्या है, गिव टू फैक्टर्स ऑन विच द टर्निंग इफेक्ट डिपेंड, तो कहता है कि टॉर्क के हवाले से कहता है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डेफिनेटली फार्मूला देखें आर क्रॉस एफ है, ये टर्निंग इफेक्ट का फार्मूला है, इसमें देखें आर मोमेंट आर्म है और फोर्स आपके पास एफ है, इन दोनों पर डिपेंड करें, तो इनमें एक भी कुछ जीरो होगी, ये जीरो हो जाएगा, क्या आपस में पैरेलल होंगे तो भी जीरो होगा, मैक्सिमम क्या होगा परपेंडिकुलर फॉर्म में जब होंगे तब आपके पास इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम दैट इज ए इक्वल टू आई माइनस 2j एंड बी इक्वल टू आई प्लस 2j। ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये देखिए हमने इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो डॉट प्रोडक्ट लेने का ये फार्मूला है ए डॉट बी इक्वल ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो हमने आई डॉट आई वाले या जे डॉट जे या के डॉट के वो 1 होगा, बाकी जो मिसिंग होंगे वो 0 होंगे, क्यों उनमें एंगल 90 डिग्री का है और कॉस 90 0 होता है, लिहाजा ये देखिए आई डॉट आई यानी 2 × 2 = 4 × 1 और इस तरह पास जे डॉट जे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, तो सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू ए डॉट बी क्या है 0 आया। फिर हमने क्या किया है कि यहाँ से ए डॉट बी इस फार्मूला अप्लाई किया है ए बी कॉस थीटा, यहाँ से हमने थीटा फाइंड आउट करना है, तो आपके पास कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, ए बी सर मल्टीप्लाई इधर आके हो गया डिवाइड हो गया नीचे आके, और यहाँ से हमने क्या किया कॉस थीटा आपके पास इसमें 0 पुट किया जी, क्योंकि ए डॉट बी इधर क्या आया ये देखें 0 है, 0 बाई ए बी 0 आ गया, और आगे हमने कॉस इनवर्स लिया क्या आ गया 90 डिग्री हो गया जी।
इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर डिफाइन करें। तो भाई ये बार बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या, इट हैज इफेक्टिव वैल्यू इन गिवन डायरेक्शन जी, यानी कि कोई भी वेक्टर किसी डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो होता है किसी भी डायरेक्शन में अपनी वैल्यू रखता है, किसी डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। जैसे कि वेक्टर का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो हम कहते हैं ये इसका एक्स कंपोनेंट है, अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस हो तो ये क्या उसका वाई कंपोनेंट है। और फिर कहते हैं व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो वेक्टर्स हैविंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स व्हिच हैव अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर 90 डिग्री विद ईच अदर, कंपोनेंट्स which are mutually perpendicular to each other or they have a 90 degree angle with each other, then we say that they are the rectangular components. तो इस तरीके से dear students आपका ये जो है chapter जो है complete हो गया है, हमने इसे हर लिहाज से complete कर लिया है। हमने सबसे पहले इसके notes से इसके मुख्तलिफ topics जितने थे उनको discuss किया, फिर हमने इसके short question को discuss किया, exercise में थे, फिर हमने न्यूमेरिकल को डिस्कस किया, और ये पिछले लेसन और इस लेसन में हमने ये दो दिन से हम ए प्लस पे जितने हमारे पास शार्ट क्वेश्चन थे हमने उनको डिस्कस किया, यानी कि उसमें जो सबका पेपर के थे इसमें कुछ असाइनमेंट्स पे थे टॉपिक वाइज जितने एडिशनल शार्ट क्वेश्चन बने थे हम सबको डिस्कस किया। तो ये इसका मकसद एक ही है कि आप लोग जो है इसको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, कुछ चीज रह गई थी या भूल गई थी या गुम हो गई थी तो इसको थोड़ा सा आप सामने रिवाइज किया, वीडियो फॉर्म में मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे जाकर आप सारे दरीस फिजिक्स उसमें सर्च करेंगे, वहां से जो है मेरे लोगों के साथ मेरी पिक्चर के साथ वो आ जाएगा चैनल, उस पर क्लिक करेंगे, उसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर प्रेस कर लें, तो क्या होगा मेरे जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज हैं आपके मोबाइल पर अवेलेबल होंगी, आप सुन सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स ये आपने सारा स्टडी किया, फिर भी कोई क्वेश्चन हो इससे आप रिवाइज करें तो आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इस जो है रिकॉर्डिंग को खत्म करने लगा हूं और उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी यहीं पर भी पूछ सकते हैं।